नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बुल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसने इस साल 2021 के OTT प्लेटफॉर्म के सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो फिल्म लोग बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इस फिल्म ने अपने 35वें दिन में कितने करोड़ का कारोबार किया और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म ने अभी तक कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है पूरा टोटल 35 दिन का। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों आप लोगों को बता दें, बिग बुल मूवी जो कि 1992 के ऊपर स्कैम के ऊपर आधारित है। जिस तरीके से हर्षल मेहता ने स्कैम किया था और एक मूवी आई थी हर्षल मेहता के ऊपर, उसी फिल्म को डब करके फिर से बनाया गया है बिग बुल, जो कि बहुत ही बड़ा है, जो कि शेयर मार्केट पर आधारित है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत ही बड़ा घोटाला किया था बिग बुल मूवी में बताया गया है। जिस तरीके से अभिषेक बच्चन की एक्टिंग और इलियाना डिक्यूज की एक्टिंग नजर आई है, ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन कुछ ही सालों में, यानी कि कुछ ही दिनों में, सालों में कहाँ आने वाले हैं अच्छा खासा डेब्यू लेके और अच्छी खासी फिल्में देने वाले हैं बॉलीवुड को। दोस्तों वही बात कर लेते हैं इस फिल्म के 35वें दिन के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बता दें कि अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है 35वें दिन, इतना बड़ा समय हो गया लेकिन फिर भी ये फिल्म अभी कमा रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये फिल्म 50,000 रुपये का कारोबार कर रही है अपने 35वें दिन OTT प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वही बात कर लेते थे अभी तक इस फिल्म ने कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म की तारीफ बहुत लोगों ने करी है, अमिताभ बच्चन साहब ने, अजय देवगन साहब ने, और बहुत ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफ की गई है। जिसका इसका एक गाना है, एक धुन है, बहुत ही जोरों से वायरल हुई और उस गाने को बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों वही बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म ने अभी तक पूरा कितने करोड़ का कारोबार किया OTT प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने OTT प्लेटफॉर्म पे जोरदार तरीके से कारोबार किया और अभी तक, यानी कि पूरे 35 दिनों का कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 110 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत बड़ी बिग हिट रही है फिल्म। जिस तरीके से ये फिल्म चली है बहुत ही जोरदार तरीके से चली है और अभिषेक बच्चन ने साबित कर दिया है कि हम भी एक्टिंग कर सकते हैं और हम भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।